केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक बुलाया संसद का विशेष सत्र, कई महत्वपूर्ण बिल हो सकते हैं पेश। मुंबई में चल रही विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक का आज दूसरा दिन, आज जारी किया जाएगा लोगो। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी बैठक। इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस पर जल्द सीट शेयरिंग का दबाव, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरे दलों ने भी की मांग। कांग्रेस ने बैठक में अब तक नहीं खोला सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। विपक्षी गठबंधन की बैठक के लिए मुंबई पहुंची ममता बनर्जी ने तिलक लगवाने से किया इंकार, बीजेपी ने साधा निशाना। अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा, बंगाल के हिंदुओं को सहना पड़ रहा है अपमान। मोदी सरकार के कामकाज का फीडबैक लेगी बीजेपी, कॉल सेंटर बनाकर जनता से ली जाएगी कामकाज और उपलब्धियों पर राय। सुबह 11 बजे गृहमंत्री अमित शाह करेंगे कॉल सेंटर का उद्घाटन। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गृहमंत्री अमित शाह करेंगे अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ, दोपहर 2 बजे रंग भवन से करेंगे यात्रा की शुरुआत। शतरंज विश्व कप में सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रज्ञानंदा ने की पीएम मोदी से मुलाकात, पीएम ने ट्वीट कर शेयर की तस्वीरें, लिखा प्रज्ञानंदा पर देश को गर्व है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया भजनपुरा मर्डर केस का मुख्य आरोपी माया, दूसरे आरोपी की जुवेनाइल बोर्ड में पेशी, फरार 3 आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर वन न्यूज चैनल।